दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के X30 स्मार्टफोन के बारे में। फ्यूचर में ऐसे कौन से जो बड़े अपडेट्स हैं जो कि देखने को मिलने वाला है आपको इसी वीवो X30 स्मार्टफोन के अंदर। और मैंने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था वीवो के V15 स्मार्टफोन के बारे में, तो मेरे पास काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सही से तुम ये बताओ कि जो वीवो का X30 स्मार्टफोन है इसको फ्रंट टच OS 11 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है कि नहीं, और मिलेगा तो कौन से डेट को मिलने वाला है, इसकी रिलीज डेट के बारे में बताओ। और फ्रंट टच OS 11 का जो एक जो बीटा अपडेट मिलता है कुछ स्मार्टफोन को वो इस स्मार्टफोन में मिलेगा तो कौन सी डेट को मिलने वाला है उसकी भी रिलीज डेट के बारे में बताओ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसकी रिलीज डेट के बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम लोकेशन और आप लोग देख रहे हैं सेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलती रहती है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये स्मार्टफोन वीवो का X30 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, और आप लोगों ने जब भी इस स्मार्टफोन को खरीदा था तो इसमें आपको प्री इंस्टॉल एंड्रॉयड 9 पाई का जो अपडेट है वो आपको इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिला था विद फ्रंट टच के साथ में। और वीवो की एक ऐसी पॉलिसी है कि वीवो के जितने भी जो स्मार्टफोन है वीवो उनको 2 ईयर्स तक दो बड़े जो मेजर OS अपडेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराता है अपने सभी स्मार्टफोन को, चाहे वो मिड रेंज स्मार्टफोन हो चाहे वो फ्लेक्सीबल स्मार्टफोन हो। सभी स्मार्टफोन में वीवो 2 ईयर्स तक दो बड़े जो मेजर OS अपडेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड 9 पाई का जो अपडेट है वो आपको इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिला था, तो एंड्रॉइड 11 का जो ऑफिशियल अपडेट है विथ फ्रंट टच OS 11 का वो आपको इस स्मार्टफोन में श्योरली देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोगों को इसकी रिलीज डेट के बारे में जानना है तो मैं वीडियो के आगे इसकी रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसी वीवो फ्रंट टच OS 11 के अंदर आपको कौन से अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि देखने को मिलने वाले हैं। सो आप लोग ऊपर आई बटन प्रेस करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है 15+ अमेजिंग यूनिक फीचर्स हो फ्रंट टच OS 11, तो उस वीडियो को देखना ना भूलना। वीवो ने इस बार कस्टमाइजेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, आपको बहुत ही ज्यादा एक अलग UI देखने को मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट यूनिक फीचर्स हैं जो कि देखने को मिलने वाले हैं इसी फ्रंट टच OS 11 और इसी वीवो X30 स्मार्टफोन के अंदर। सो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलना इस वीडियो को देखने के बाद में, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे सबसे पहले टॉप पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप बात करें इसके बीटा अपडेट के बारे में तो वीवो की ओर से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि वीवो का जो X30 स्मार्टफोन है इसको कोई बीटा अपडेट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो इसको जो बीटा अपडेट की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है। सो इसको कोई भी जो बीटा अपडेट है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। बीटा अपडेट जैसे वीवो की जो नेक्स्ट सीरीज और आईक्यू सीरीज है, फ्लेक्सिव सीरीज है, उनको जो बीटा अपडेट है वो कुछ स्मार्टफोन में मिल चुका है और कुछ स्मार्टफोन में मिलने वाला है। सो बीटा अपडेट इसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में, फ्रंट टच OS 11 विद एंड्रॉइड 11 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो इसी स्मार्टफोन में वीवो का X30 स्मार्टफोन में कौन सी डेट को मिलने वाला है। सो ये बात यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो अपडेट है वो आपको सेकंड क्वार्टर 2021 के अंदर शोर्डली देखने को मिलने वाला है। सेकंड क्वार्टर के अंदर कौन से मंथ आते हैं आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 मंथ है इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी बनती है इसके अपडेट की वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और जब भी वीवो की ओर से कंफर्मेशन डेट आ जाएगी कि इसी डेट को या फिर इसी मंथ में आपको जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, तो ये भी आपको जानने में ईजी होगा कि आपका जो फोन है वीवो का X30 स्मार्टफोन या फिर कोई भी वीवो का जो स्मार्टफोन है उसमें आपको अपडेट है वो कौन सी डेट को मिलने वाला है। सो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर कुछ बात करनी हो फोन से रिलेटेड तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से पर्सनली बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।